के रामलीला मैदान से एक बार फिर किसान मजदूर के हकों की मांगों को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ एक गूंज सुनाई दे रही है। हनन मोल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किसान यूनियन का भी यहाँ हुआ और करीब करीब समर्थन आप लोगों का और मांगे वही थी, समर्थन मूल्य जो अडानी और अंबानी जैसे बड़ी ताकतें हैं उनको सरकार की सरपरस्ती, यहाँ आप लोगों का क्या डिमांड है नए तरीके से और आगे की रूपरेखा? डिमांड जो है, हम अपना 1300 डिमांड आपके बीच प्रकाश किया है। इसमें मजदूर का मांग है, खेत मजदूर का मांग है, बेरोजगार नौजवान का मांग है, शिक्षा का मांग है, चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, महंगाई के खिलाफ मांग है, राशन व्यवस्था मजबूत करने का मांग है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लागू करने का मांग है, हिंदू मुस्लिम दंगा करके विभेद करने का जो षड्यंत्र है उसको बंद करने का मांग है। ये सारे 1300 मांग है लेके हम ये मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में हम जनता के बीच में ये मांग को एक्सप्लेन कर रहे हैं और जनता इस बात को समझ के अपना अपना मोहल्ला में जाके, गाँव में जाके ये बात को रखेगा। पूरा देश में ये बात के लिए एक बड़ा आंदोलन पूरा हिंदुस्तान के पैमाने पर हम तैयार करना चाहते हैं, ये उसका तैयारी है। सरकार के क्या प्रतिनिधियों से आपकी बात हो रही है, सरकार आपकी सुन रही है आपकी डिमांड को? सिविलाइज सरकार होता है, सिविलाइज सरकार होता है सुनते हैं, जनता का आवाज़ सुनते हैं। ये वर सरकार जो होता है वो जनता को अनदेखी करते हैं। ये सरकार किसान को लिख के दिया था हमारा 7 मांग मानेंगे, 14 महीना हो गया, सरकार का नींद नहीं टूटा। ये बीजेपी सरकार का चरित्र है जनता को अनदेखी करना, तो इसलिए ये हमारा देना क्या है, कागज़ देने से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। हम मैदान में लड़ के उसको मजबूर करेंगे, गरीब को मांग को मांग। हाल के दिनों में आप लोगों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की थी और वहाँ पे लोगों ने वो जो दो आंदोलन में फर्क है, वो 500 संगठन है इकट्ठा होके, सब मत सब दल सबको मिलकर के एक आंदोलन, और ये है वर्ग आंदोलन, मेहनत का वर्ग आंदोलन। एक वर्गीय आंदोलन एक होता है और गैर वर्गीय आंदोलन सब मिलके होता है, सब मिलके होता है इशू के आधार पर। एक दो इशू में हम एकमत है, काला कानून हटाओ, ऐसा MSP दो, उसमें सब सहमत होकर लड़ाई किया, वो आंदोलन चलता रहे बाजू बाजू। और वर्ग आंदोलन जो है, मेहनत का जो आंदोलन है, उस पर जो रोज जुलूम अत्याचार शोषण चल रहा है उसके खिलाफ जो लड़ाई है वो बाजू में चलना चाहिए। हम इस आंदोलन को आखिरी सवाल है सर कि लोग कह रहे हैं कि आप शोषित दलित पीड़ित की आंदोलन कर रहे हैं, वर्ग आंदोलन है, सरकार करे कि वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है, आयुष्मान भारत लोगों के हेल्थ को ठीक कर रही है, 2024 का चुनाव महज 12-13 महीने के बाद बचा है, तो क्या ये उसकी भी तैयारी है कि आप लोग चुनाव के पहले, चुनाव के पहले सरकार कुछ प्रलोभन देता है। यही सरकार कहता है रेवड़ी नहीं देना चाहिए, वो क्यों रेवड़ी देता है चुनाव के नज़र में रखते हुए? जनता के साथ मोहब्बत के लिए नहीं कर रहे हैं, ये शोषण बंद करना हम चाहते हैं। गरीब और अमीर में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा खाई है दुनिया में, और हमारा संविधान बोला है ये खाई को घटाओ। इस खाई को घटाने के लिए एक तरफ हमारा मन में जब मन बीमारी हुआ था 95% लोग का इनकम घट गया, आपका भी घटा, मगर अदानी अंबानी के इनकम 700 गुना बढ़ गया। कैसे होता, सबको घटता है, ये लूट के वजह से बढ़ता है। ये लूट बंद करने के लिए उस पर जो लूट के पैसा है उस पर टैक्स लगा के उसी पैसा से देश का काम करना चाहिए। सरकार बोलते हैं पैसा नहीं है, पैसा तो हम दे रहे हैं अदानी अम्बन के लूटने का, लूट बंद करो, टैक्स बढ़ाओ तो देश में पैसा आएगा। शुक्रिया। तो दिल्ली के रामलीला मैदान की तस्वीर आप देख रहे थे कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जो लेफ्ट फ्रंट के यूनियन है उनकी बड़ी तस्वीर है और जहाँ पे लाखों लोग इकट्ठा हैं और यह कहा जा रहा है कि एक वर्ग आंदोलन है और इस वर्ग आंदोलन के जरिए आने वाले वक्त में गांव मोहल्ला चौपाल तक जो मजदूर हैं वो जाएंगे और अपनी समस्याओं का अलग वो आम लोगों के बीच जगाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उसके पहले की गोलबंदी राजनीतिक तौर पर कई सारे संकेत भी दे रही है। कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषिकेश कुमार, News24, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।